नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम न्यूट्रोपिल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। न्यूट्रोपिल टैबलेट का मुख्य उपयोग पार्किंसंस रोग में, अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक और याददाश्त खोने के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कंपनी की 30 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 719 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। न्यूट्रोपिल टैबलेट में पिरासिटाम IP 800 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद पिरासिटाम यह एक न्यूट्रोपिक दवाई है। यह एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक मैसेंजर की गतिविधि को बढ़ाकर काम करता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को बेहतर बनाता है और साथ ही यह ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सुरक्षा भी करता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग अल्जाइमर रोग की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही स्ट्रोक आने की समस्या, पार्किंसंस रोग में डिमेंशिया की समस्या और साथ ही उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही सिर में चोट लगने की समस्या और मेमोरी लॉस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको मतली, उल्टी, पेट दर्द, चिंता, उलझन, उदास मन, दस्त, मतिभ्रम, सिर दर्द, अनिद्रा और वजन बढ़ना यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। एडल्ट व्यक्ति दिन में एक या फिर दो टैबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।